वेलकम टू आवर चैनल रंजना स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लाया हूँ KZM कॉलेज के सभी स्टूडेंट के लिए। KZM कॉलेज जो कि निरसा धनबाद में स्थित है और यह BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद के अंतर्गत आता है। तो KZM कॉलेज में एक नोटिस जारी किया गया है। 8 तारीख को नोटिस है। सेमेस्टर 1 में जितने भी स्टूडेंट ने इस बार एडमिशन कराने के लिए फॉर्म फिलअप किया था BA, BCom, BSc किसी भी कोर्स में, तो वो सभी स्टूडेंट जिनका मेरिट में नाम आ गया, तो 7 तारीख को ही वेबसाइट पे KZM कॉलेज के मेरिट आप लोगों का अपलोड कर दिया गया है। तो सभी कैंडिडेट अपना अपना मेरिट लिस्ट वहाँ से चेक कर लेंगे और उसके बाद अपना ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करके एडमिशन करा लेंगे। अगर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो स्टूडेंट जो है कॉलेज में ही जाकर ऑफलाइन के माध्यम से एडमिशन का फ़ी जमा कर सकते हैं। और इसके लिए डेट जो दिया गया है 12 सितंबर से, तो कॉलेज में जाकर सभी स्टूडेंट को अपना एडमिशन कराना है एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, यानी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपके पास सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाना है कॉलेज। एक एक कॉपी जेरेक्स भी आप लोगों का जमा लगेगा, ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। इन सभी डॉक्यूमेंट को जाकर कॉलेज में वेरीफाई कराइए, अपना जो एडमिशन फ़ी है वो एडमिशन फ़ी जमा कीजिए, तब आप लोगों का एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने KZM कॉलेज में फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो सेकेंड फेज़ का एडमिशन जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि सेकेंड फेज़ में फिर से एडमिशन कब से होगा और कितनी कितनी सीटें कौन कौन से ऑनर्स की बची हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के अपडेट आप लोगों को चैनल पर हमारे जो है जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।